मिशन वात्सल्य योजना के तहत पशुपालन, डेयरी विकास, खेल और युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार की उपस्थिति में संवेदना दिवाली आयोजन में तहसील के लगभग 118 लाभार्थियों को लाभ मिला। सावनेर तहसील राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग और पूरे तालुका प्रशासन की ओर से सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के तहत क्षेत्रों और राज्य के मंत्री सुनील केदार द्वारा कोरोना काल के दौरान निराश्रित और बेसहारा हुए परिवारों को सहानुभूति प्रदान करने के लिए और उनके सुख दुख साझा करने की मंत्री सुनील केदार की पहल पर क्षेत्र की बेसहारा बहनों को साड़ी चोली के साथ साथ तेल, चीनी, सभी प्रकार की दालें और घरेलू सामान दिया गया। तो वही सरकार की अन्य योजना अनुसार खेती उपयोगी अत्याधुनिक मशीनें, ट्रैक्टर, राशन कार्ड, कृषि सातबारा आदि वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य मंत्री सुनील केदार ने की, जबकि उप विभागीय अधिकारी अतुल मेहत्रे, तहसीलदार प्रताप वाघमारे, नागपुर जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष मनोहर कुम्भारी, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन जायसवाल, पंचायत समिति सावनेर के BDO दीपक गरुड़, पंचायत समिति के सदस्य राहुल तिवारी व गोंदिया ठाकरे, पूर्व नगर उपाध्यक्ष गोपाल घटे आदि के साथ ही क्षेत्र के गणमान्य मौजूद थे। उक्त आयोजन की जानकारी देते हुए तहसीलदार प्रताप वाघमारे ने कहा कि मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत आयोजित इस संवेदना दिवाली कार्यक्रम में मंत्री सुनील केदार द्वारा दी गई सूचनाओं पर अमल कर कोरोना बेसहारा बहनों को साड़ी चोली और बच्चों को शैक्षणिक सामग्री प्रदान करने का निर्देश दिया। बेघरों की भावना को कम करने के लिए हमने अपने परिवार के साथ दिवाली को सरल तरीके से मनाने और दिवाली पटाखों पर होने वाले खर्च को इकट्ठा करने का भी फैसला कर इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास किया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मंत्री सुनील केदार ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा कमजोरों के उत्थान के साथ साथ कोरोना महामारी में बेसहारा हुए परिवारों के लिए सदैव साथ खड़ी है। ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा महाराष्ट्र इस परियोजना का पालन करेगा और इसका पालन समस्त राज्य करेगा। आज के इस आयोजन की सफलता के लिए तहसीलदार प्रताप वाघमारे, BDO दीपक गरुड़ और उनके कर्मचारियों द्वारा किया गया। आयोजन का प्रास्ताविक तहसीलदार प्रताप वाघमारे ने दिया, जबकि संचालन एवं आभार पंचायत समिति सावनेर के खंड विकास अधिकारी दीपक गरुड़ ने किया। महाविकास आघाड़ी सरकार राज्य दीन दुबळ्या गरीब शोषित पाठीमागे आहे, त्याच प्रेरणेने सरकार स्थापन झालेलं आहे। राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री, राज्याचं पूर्व मंत्रिमंडळ या कोरोनाच्या काळामध्ये राज्यातल्या दुर्भाग्य ज्यांचं नशीब आलं त्यांच्या पाठीशी उभं पुढं सुद्धा राहणार आहे। आज या सांगर मतदारसंघामध्ये आपल्याला भारतभर संपूर्ण राज्यामध्ये सुद्धाही अशाच प्रकारचा दृष्टिकोन आणि उपक्रम चालू आहे। BCN News के लिए सावनेर से किशोर ढुंडुले की रिपोर्ट।